करते हैं। पेज नंबर 98 पर चैप्टर नंबर 10 टर्टल टेल। द स्टोरी इज अबाउट लिटिल टिम, हर ब्रदर शेर एंड जॉली एंड द टर्टल बेबीज। ये स्टोरी है एक छोटे से लिटिल टीना की, उसके भाइयों की शेर और जॉली और टर्टल के बेबीज। Tina and her family had come to live in Bhuvaneshwar for 2 years. Tina और उसकी फैमिली कहाँ से आए थे? कहाँ पे आए थे? भुवनेश्वर में आए थे 2 सालों के लिए रहने के लिए। They knew that Olive Ridley, Turtle laid their eggs on the beach close to their home. उनको पता था Olive Ridley Turtle है जिन्होंने अपने बेबीज प्रोड्यूस किए हैं, एग्स ले किए हैं, जो उनके घर के बगल वाले बीच में है। टीनास फादर हैड टोल्ड द चिल्ड्रन दैट इट वाज टाइम फॉर एग्स टू हैच। टीना के पापा ने उनको बताया है कि ये टाइम है एग्स के हैच होने का। लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। अब देखते हैं कि आगे इस कहानी में क्या क्या हुआ। It was still dark when they woke up. अभी भी अंधेरा था जब वो लोग उठे थे। One could only hear the waves in distance. कुछ सुनाई दे रहा था। सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। मैम देखो यहाँ लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है। आप एक तो लेट में आते हो, क्लास डिस्टर्ब करते हो। चैप्टर नंबर 10 टर्टल टेल इंग्लिश लिटरेचर की बुक। तो रात का समय था, सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी। टीना एंड हर ब्रदर्स वर क्वाइटली गेटिंग रेडी टू लीव फॉर द बीच। टीना और उसके भाई शांति से तैयार हो रहे थे बीच पर जाने के लिए। कम टीना, लेट्स गो, हैव यू गॉट योर टॉर्च? चलो टीना, जल्दी चलो, क्या तुमने टॉर्च ले लिया है? सबको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। स्टोरी में बताइए, टीना और उसके भाई कहाँ जा रहे हैं? मैम बीच पे। फिर समुद्र। मैम बीच पे। कब जा रहे हैं? रात में कि दिन? मैम रात में। मैम दिन। रात में। रात में जा रहे हैं। तो सब लोग रेडी हो गए बीच पे जाने के लिए। कम टीना, लेट्स गो, हैव यू गॉट योर टॉर्च? चलो टीना, जल्दी चलो, क्या तुमने टॉर्च ले लिया है? यस शे, टीना ने बोला। हाँ शे, हियर इट इज, टीना सेड। शी वाज वेरी एक्साइटेड। टीना बहुत एक्साइटेड थी। द चिल्ड्रन गॉट ऑनटू देयर बाइसिकल्स एंड रोड डाउन टू द बीच। बच्चे अपनी बाइसिकल उठाते हैं और कहाँ के लिए निकल पड़ते हैं? बीच के लिए। बीच पे। दे लुक फॉर द नेस्ट इन द लाइट ऑफ देयर टॉर्चेस। वो लाइट नेट्स देख रहे हैं टर्टल की अपने टॉर्चेस से। मामा टर्टल वॉज मेकिंग हर नेस्ट हियर। अपने नेस्ट कहाँ बनाया है? यही पर बनाया है। शे विस्पर्ड, शे कह रहा है धीरे से, विस्पर्ड यानी कि फुसफुसा रहा है। पॉइंटिंग टू अ बोन ऑफ सैंड, किसको दिखाते हुए? एक मून ऑफ सैंड यानी कि जो रेत का जो बना हुआ कुछ था, मून करके था, जैसे कि अंदर जो रहते हैं उसको बनाया जाता, जानवर लोग बना देते, चींटियां भी बनाती अपना मून, वैसे बनाया था। तो श्रेय कह रहा है कि इसी के अंदर मामा टर्टल होगी जिसने अपने एग्स रखे होंगे। Thank you.
I had put two sticks near the nest to mark the spot. Let's go and see if it is there. उसने क्या कहा? I had put four sticks. मैं चार स्टिक्स यहाँ पर रख देता हूँ, चलो देखते हैं दूसरी जगह पर. The children parked their bicycles near a tree and walked down to the spot where she had put the sticks. बच्चों ने अपनी बाइसिकल को पार्क किया और वही गए जहां पर स्टिक्स रखी हुई थी. Will mama turtle be there? Tina asked softly. Tina ने धीरे से चुपके से पूछा कि क्या जो टर्टल की मम्मा है वो यहाँ पर होगी? No, mama turtle will not be there. She lays eggs, her eggs, and covers them with sand. क्या कहा? Then she goes away and doesn't come back. Answered Shrimp. शे ने कहा कि यहाँ पर सिर्फ एग्स होगी, मामा टर्टल नहीं होगी, क्योंकि वो अपने एग्स को ले करती है और कहीं और चली जाती है एग्स को छोड़कर. They found the nest and waited some distance away from it. वो एक नेस्ट पा जाते हैं, जो टर्टल का नेस्ट है उनको मिल जाता है और थोड़ी दूर पर वो जाकर वेट करते हैं. And then one baby turtle pushed itself out of the sand. अभी एक छोटे से बेबी टर्टल सैंड के बाहर आता है. It was so tiny, इतना छोटा है. Oh my, it is only as big as my thumb, Tina said excitedly. टीना ने क्या कहा? ये बेबी टर्टल इतना छोटा है जितना मेरा एक थंब है. और वो बहुत खुश हुई. More and more baby turtles came out of the sand. ढेर सारे baby turtles sand में से बाहर आने लगे. And they ran towards the water, but one baby turtle got stuck in plastic packet on the beach. सारे जो baby turtle हैं, वो लोग दौड़ दौड़ के पानी में जाने लगे, लेकिन एक baby turtle जो था, वो फंस गया. किसमें फंस गया बताइए? प्लास्टिक के बैग में. हाँ, वो एक प्लास्टिक के बैग में. प्लास्टिक के बैग में. हाँ. टीना जेंटली पुल्ड अवे द पैकेट एंड फ्री द बेबी टर्टल. टीना ने प्यार से उस पैकेट को हटाया और बेबी टर्टल को फ्री कर दिया. देन जॉली नोटिस्ड दैट देयर वर मोर प्लास्टिक पैकेट्स एंड बॉटल्स ऑन द बीच. तभी जॉली ने क्या देखा? कि बहुत ढेर सारे प्लास्टिक बैग्स और बॉटल्स बीच पर पड़े. क्विक टीना, शे, लेट्स कलेक्ट ऑल प्लास्टिक, द बेबी टर्टल्स माइट गेट स्टक इन प्लास्टिक, ही सेड. तो फिर उसने क्या कहा कि टीना, शे, जल्दी जल्दी ये सारे प्लास्टिक जो है इसको कलेक्ट कर लो, नहीं तो बेबी टर्टल जो है वो इसमें दोबारा से फंस जाए. They hurriedly collected the plastic bottles. वो लोग जल्दी जल्दी सारी जो प्लास्टिक बॉटल को कलेक्ट करने लगे and packets को भी into a pile far away from the turtle's path. सब कुछ एक एक चीज वो लोग इकट्ठा करने लगे जो टर्टल्स का रास्ता था उनसे बहुत दूरी पर. Now they'll be safe, she said. She ने क्या कहा? अब ये सारे turtles जो है वो safe होंगे. The turtles climbed and tumbled over each other to reach the water. Soon the beach was covered with baby turtles crawling towards the water. सारे जो turtles के बच्चे हैं वो सारे roll करते हुए और crawl करते हुए रेंगते हुए पानी में जाने लगे और जल्दी ही जो पूरा बीच था वो बेबी टर्टल्स से कवर हो गया. टुवर्ड्स मॉर्निंग सम सीगल्स एंड अदर बर्ड्स केम टू द बीच. दे कॉट सम बेबी टर्टल इन देयर बीक एंड एट देम अप इन वन गल्प. और सुबह होते ही कुछ सीगल और दूसरे बर्ड्स आ गए बीच पर
जो उनको बेबी टर्टल्स को खाने लगे, एक ही बार में निगल गए, गल्प यानी कि निगल गए। श्री जॉली, दे आर ईटिंग द बेबी, स्टॉप देयर, शी क्राइड। टीना फेल्ट वेरी सैड फॉर द बेबी टर्टल। श्री जॉली, जल्दी से बेबीज को बचाओ, वो लोग उनको, जो बर्ड्स है वो उनको खा रहे हैं। टीना को बेबी टर्टल्स के लिए बहुत दुख हुआ। नो टीना, वी कैन नॉट डू दैट। लुक, मेनी मोर बेबीज आर क्रॉलिंग टूवर्ड्स द सी, दे विल बी सेफ इन द वॉटर, ही सेड। तो उसने क्या कहा? नहीं टीना, हम ये नहीं कर सकते। देखो जरा, बहुत सारे बेबी टर्टल्स जो है वो अभी भी क्रॉल कर रहे हैं और वो पानी में जाकर सेफ हो जाएंगे। टीना लुक्ड इन अमेजमेंट एट हंड्रेड्स ऑफ बेबी टर्टल्स कमिंग आउट ऑफ द सैंड। दे आर क्रॉल टूवर्ड्स द वॉटर। द जेंटल वेव्स हेल्प द टर्टल बेबीज स्विम। टीना देखकर बहुत अमेजमेंट यानी कि खुशी से चकित हो गई कि कम से कम 100 बेबी टर्टल्स होंगे जो सैंड से बाहर आकर पानी में जा रहे होंगे और पानी में जाकर सेफ हो जाएंगे। और जो पानी की जो जेंटल बीच की जो पानी की जेंटल वेव्स है, जो सॉफ्ट सॉफ्ट जो लहरें हैं, वो बेबीज को हेल्प करती है वहां तक जाने के लिए। टीना एंड हर ब्रदर्स वेटेड टिल द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द सनराइज फिल द स्काई। टीना और उसके भाइयों ने टीना और उसके भाई वेट कर रहे हैं और सनराइज का ब्यूटीफुल कलर देख रहे हैं स्काई में। दे वेंट बैक हैप्पी दैट दे सॉ द टर्टल बेबीज हैचिंग एंड स्विमिंग अवे सेफली विद द वेव्स। और फिर वो लोग अपने घर खुशी खुशी गए, क्या देखकर कि जो टर्टल की बेबीज है छोटे छोटे, वो सारे, सबको आवाज आ रही है? यस मैम। वो सारे सेफली पानी में चले गए थे। देयर बिगेस्ट जॉय वाज दैट दे हैड हेल्प द बेबीज रीच सेफली बाय क्लियरिंग देयर वे टू द वॉटर। और वो टीना और उसके भाई किससे खुश थे? क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने टर्टल के बेबीज की हेल्प की सेफली पानी में जाने के लिए, है ना? यस मैम। मुझे आ गया ये चैप्टर? यस मैम। हैचिंग का मतलब क्या होता है? यस मैम, हैचिंग का मतलब है अंडे में से बाहर निकलना। हाँ, एग्स में से बाहर आना। टंबल यानी कि मैम सील। फेल मतलब जैसे जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े क्रॉल करते हैं और रोल रोल होकर टंबल होकर गिरते हैं, उसकी बात हो रही है। और सीगल एक तरह का पक्षी होता है, पक्षी का नाम है, बर्ड का नाम है। पार्ट्स मतलब क्या होता है बताइए? पाथ मतलब वे, मतलब रास्ता, है ना? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों? मैम चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 11 और पोयम पढ़ेंगे अस्थिती सैंड फाइल, है ना? तो इस पेज को मार्क कर लीजिए आप लोग, जो हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है, कोई भूलेगा नहीं, जब पूछेंगे तो बताइएगा। यस मैम। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय बाय।